हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग जो हो रही है वो दिन से हो रही है। और आज हमारे घर में आने वाली है मेरी छोटी दीदी, और आज है छोटी होली। तो आप सब लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, छोटी होली की। हाँ ठीक है, तो अभी दीदी आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मेरा काम वगैरह भी हो जाए, क्योंकि तबीयत ना बहुत ज़्यादा खराब है, मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो मैं सोच रही हूँ दीदी आ रही है तो थोड़ी बहुत गुजिया बनवा लेती हूँ, बना लेते हैं मतलब साथ में। अकेले तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो दो जने बनाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो सामान वगैरह पापा लेने गए हैं अभी, और दीदी अभी आई नहीं है, आती है तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज जो है छोटी होली, तो हम लोग होली खेलेंगे, जिया जी भी आएंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। मतलब जो जो हम करेंगे आप लोगों को ब्लॉग में दिख जाएगा, तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट भी आ सकता है, क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मन करता है कभी एडिट करने का, कभी मन करता है नहीं करने का, तो इसीलिए एक दो दिन ऐसे ही हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी ब्लॉग अपलोड कर दूँ। तो अभी तो आप लोग वेट कीजिए और मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? बाय। बस हो गया, सुन लिया ना आप लोगों ने। तो BTS लवर ना, BTS लवर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चांद ही चांद को काट सकता है। आयरन कट आयरन सुना है? आवाज है सुनो, बहुत ज्यादा आवाज हाँ, कमेंट्स आने चाहिए वैसे मेरे ससुर जी के मुंह। सो गाइस, फाइनली सामान वगैरह आ चुका है यहाँ पे, और दीदी लोग भी आ चुके हैं, तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और एक घी रखा हुआ है, दीदी अभी बना रही है खजूर, जो क्रंची टाइप के होते हैं ना, बिस्किट टाइप के, वो खजूर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दीदी ने इसमें चीनी दूध के साथ सूजी को घोला है, और बस अच्छे लगते हैं खाने में, तो इसलिए मैं दीदी से ये बनवा रही हूँ। ये है सूजी जो कि मैं डाल रही हूँ, और शीना भी हमारे साथ हेल्प कर रही है, तो इसलिए और जल्दी हो जाएगा हमारा काम। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और यहाँ पर अब डाल दिया है दीदी ने मैदा इसमें, अब इसको अच्छे से गूंद देंगे, मतलब चीनी नहीं, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, केवल दूध से गूंदेगा ये। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अभी दूध, चीनी और सब कुछ सामान, मतलब आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, हम तो चीनी कम खाते हैं इसलिए हमने चीनी कम डाला है। और यहाँ पर अब मैं ड्राई फ्रूट सारे मिक्सी में मिक्सर कर रही हूँ, ये सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं रेडी। इसमें मैंने डाला है काजू, बादाम, किशमिश, नारियल, और ये है चीनी जो कि मैंने पीस दी है। अब यहाँ पर दीदी खोया जो होता है उसको कद्दूकस में कस रही है, जिससे कि वो और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैं पापा से बोल रही थी कि मैं अगली बार होली में दीदी के यहाँ जाऊँगी, यहाँ मज़ा नहीं आता। पापा कह रहे थे अभी चली जा तू, मतलब ऐसे हमारी बातें हो रही थी। फोन में आवाज़ नहीं आ रही है, मेरा फोन ना खराब हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आईफोन में दिक्कत ये हो ही रही है सबके साथ ही, कि फोन में से आवाज़ चली जा रही है वीडियो में से। और ये रहा हमारा हरचू दारू से चिपका हुआ, चाय भी नहीं पीने दे रहा पापा को। और यहाँ पर तैयार हो चुका है सारा सामान जो कि हम गुजिया में ऐड करेंगे। तो चलिए बनाते हैं अब गुजिया धीरे धीरे, क्योंकि गुजिया बनाने में टाइम तो लगता है,
दीदी आ गई हैं तो और जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा काम मेरा, नहीं तो मैं अकेले लगी रहती, क्योंकि इस बार पापा की तबीयत भी खराब है, मम्मी की भी खराब है, तो लग नहीं रहा था मुझे कि मैं बना पाऊंगी, बट फिर भी दीदी आ गई हैं, माय गुड लक। तो चलिए बनाते हैं, दीदी ने स्टार्ट कर दिया है, ये दीदी की फर्स्ट गुजिया है, देखते हैं कैसी बनती है। गुजिया का ना अगर आटा अच्छा गुंदा हो ना तो फिर गुजिया अच्छी ही बनती है, ये तो मैंने कर लिया है नोटिस। तो दीदी ने यहाँ पे सांचे में जो है वो रख लिया, ये सांचा हमारा इतना अच्छा नहीं, पिछली बार के ना हमें मिल नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, याद ही नहीं आ रहे थे, तो नया लेके आए हैं पापा, ये सांचा कहीं ऐसा आया अजीब सा ही आया, इसमें शेप भी नहीं आ रही अच्छी तरह से, फिर भी दीदी ने कोशिश करके बना दिया है और अंदर फिल कर दिया है सारा सामान, अब पानी लगा रही है थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे हम ना कुछ बात कर रहे थे, दीदी हंस रही है। तो फाइनली ये है हमारे गुजिया का फाइनल लुक, ये देखो बनके हो चुकी है तैयार। अब मैं और दीदी यहाँ पर जल्दी 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 हाथ चला रहे हैं, जो कि हम उसमें बहुत स्लो चला रहे थे, बट इस वीडियो में जल्दी जल्दी लग रहा है। गाइस फाइनली गुजिया वगैरह बन के हो चुकी है रेडी, और यहाँ पर अब गोलू को सूझा है कलर लगाने का, और इसने आपको कर दी मेरी मांग, एक गधा है बिल्कुल एक नंबर का। और सबसे पहले होली गोलू ने ही स्टार्ट कर दी है, अब दीदी लगा रही है हर्षू को, क्योंकि हर्षू की सेकंड होली है, लास्ट टाइम जो होली थी तब ये 3 या 4 महीने का था, तो उसको कुछ इतना आइडिया था नहीं, और अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो अभी कलर पहचानने लग गया है, अभी देखो दीदी के लगाएगा ही। ये देखो दीदी के इसके कलर लगा दिया, उसको खा रहा है, उसको लगना खाने की चीज है, ये बच्चा है उसको क्या पता। और यहाँ पर हमारा लाटा, ये देखो जिया जी ने दे दिया है इसको पैसे होली पे कलर लेके आने के लिए, हर्षू कलर लेके आओगे ना आप। तो अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ दीदी को, मैं बहुत आराम से लगा रही थी पर दीदी ने ना मेरे को बिल्कुल लो कर दिया, भूत बना दिया था, मतलब मैं गलत बोल रही हूँ, मैंने पहले पंगे लिए थे उसके बाद दीदी ने मुझे रंगा था। हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। ये देखो दीदी, ये देखो अब गोलू भी रंग देगा मुझे, हर्षू रो रहा था पीछे से कि मम्मी को क्या कर रहे हैं करके, ये मैं भी लगा रही हूँ अपने हर्षू को कलर, मैं थोड़ा आराम आराम से बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बीच में आवाज नहीं थी, इस वीडियो में बहुत ज्यादा आवाजें थी, हम लोग बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ला कर रहे थे, बट अभी मैं क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड आवाज दे रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखो जिया जी के साथ आई थिंक मेरी फर्स्ट होली थी ये, पिछले साल हमने कलर नहीं लगाया था क्योंकि दीदी और जिया जी द्वारका में थे, हम लोग यहाँ पे थे, तो पिछले साल हम लोगों ने नहीं खेली थी होली, ये हमारी फर्स्ट होली है साथ में, वो भी छोटी होली के दिन, क्योंकि कल होली है तो ये लोग अपने घर चले जाएंगे वहां पे होली खेलेंगे, तो आज छोटी होली के दिन ही हम होली खेल दे रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा पंगे मैंने लिए हैं जिया जी से, अब जिया जी मेरे को भूत बना देंगे पूरा, जिया जी तो कह रहे थे पानी से नहाते हैं, पानी से पानी डाल देता हूँ तेरे ऊपर, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं तो कपड़े चेंज कर लूंगी, आपको द्वारका जाना है अभी, गाड़ी कैसे ड्राइव करोगे ठंडे में कुड़कते हुए जाओगे, तब जिया जी मान गए। गोलू कहीं पर भी मौका नहीं छोड़ रहा है मुझे रंगने का, देखो देखो सारे बाल खराब कर दिए लाटे ने मेरे, ये देखो गिरते गिरते बचा। ओ मेरा बेटा रो रहा है, मेरी हल्की रो रही है, हल्की
पापा मम्मी भी टाइम पे आ गई थी रंग लगाने के टाइम पे, पापा नहीं थे, पापा ऊपर गए थे, जो भैया लोग रहते हैं उनके यहाँ गए हुए थे, अभी आ जाएंगे वो भी वीडियो में है, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब फोटोज वगैरह तो हमने क्लिक करी थी साथ में, तो जिया जी यहाँ पे हेलो बोल रहे हैं। ये हमारी मम्मी ना एकदम इतनी इमोशनल हो जाती है ना, छोटी छोटी चीजों में, अब कलर लगा रही तो सभी रोने लग गई है, देखो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और अब ये मुझे कलर लगाएंगे, और मैंने मम्मी को बोला जैसे दीदी को प्यार किया ना ऐसे ही मुझे भी प्यार करना। आय हाय गोलू ने मेरी हालत क्या कर दी है मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो तो यहाँ पर लग रहा है कलर, अब मैं यहाँ पर वही बोल रही हूँ कि जैसे दीदी को प्यार किया ना ऐसे ही मुझे प्यार करना। देखो मम्मी पता नहीं क्या क्या बोल रही है मुझे यहाँ पे। हाँ मम्मी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मुझे, तो मैं वही मुझे ले रही थी कैमरे में। तो यहाँ पर फाइनली हम लोगों की होली हो चुकी है खत्म, अभी पापा आएंगे तो पापा को भी कलर लगाएंगे, अब मम्मी लगा रही है हर्षू को, तो ये सब चीजें हमारा अभी चलता रहेगा। अभी मैं यहाँ पे एक सॉन्ग, क्योंकि मैं इतना बोल नहीं पाऊंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं करके, तो फिर यहाँ पर मैं ना एक बैकग्राउंड म्यूजिक दे देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हर्षू और गोलू भी चल रही है मस्ती, तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सब लोगों ने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।